गेट अकेडमी। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आर्क वेल्डिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो आर्क वेल्डिंग बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे जॉइंट्स बनते हैं, राइट। वी ग्रुप जॉइंट, जे ग्रुप जॉइंट पढ़ने वाले हैं। साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेल्ड पूल या वेल्ड बीड के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ में अगर आर्क वेल्डिंग हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का आर्क वेल्डिंग होता है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड कहाँ पर कंज्यूम होगा, कहाँ पर कंज्यूम नहीं होगा, और साथ में ये भी देखेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स रिक्वायर्ड फॉर एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉइंट। अगर कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉइंट बना रहे हैं तो वहाँ पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स आपको चाहिए होगा, अगर वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वाला अगर वेल्डिंग होगा तो। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गेट एग्जाम का एक प्रॉब्लम भी लूँगा और उसके बेसिस पे सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा, लास्ट में प्रॉब्लम को क्या करूँगा उन कंसेप्ट्स के बेसिस पे सॉल्व करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो मैं जो यहाँ पे प्रॉब्लम ले रहा हूँ, ये गेट 2015 PI का प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। तो जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हूँ, जो टॉपिक पढ़ने वाला हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में पढ़ा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ने वाला हूँ, उसी के बेसिस पे प्रॉब्लम होगा। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। सो प्रॉब्लम इज टू एल्यूमिनियम एलॉय प्लेट्स इज 10 mm थिक एंड 1 मीटर लॉन्ग आर वेल्डेड विदाउट क्रोइंग बाई मल्टीपल पास टंगस्टन इनर्ट गैस बट वेल्डिंग। द जॉइंट कन्फिग्रेशन इज वी टाइप विथ 60° एंगल एंड रूट गैप इज मेंटेन एट 5 mm। इफ इलेक्ट्रोड ऑफ 5 mm डायमीटर विथ 500 mm लेंथ इज यूज फॉर वेल्डिंग, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स रिक्वायर्ड इज ऑप्शन है 7, B 9, C 11, D 13। देखेंगे इस वाले प्रॉब्लम को, गेट 2015 के प्रॉब्लम को क्या दिया है। यहाँ पे वी टाइप का जॉइंट दिया हुआ है और ग्रूव जॉइंट, साथ में थिकनेस ऑफ प्लेट दिया है 10 mm, लेंथ ऑफ वेल्ड दिया है 1 मीटर, ग्रूव एंगल 60°, रूट गैप 5 mm, इलेक्ट्रोड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, इलेक्ट्रोड का डाया दिया 5 mm, इलेक्ट्रोड का लेंथ दिया 500 mm दिया हुआ है। साथ में पूछना नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स नीडेड फॉर द वेल्डिंग ऑपरेशन 7, 9, 11 और 13 यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा वेल्ड पूल या वेल्ड बीड के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं कैसा होगा, वेल्ड बीड या वेल्ड पूल के बारे में डिस्कस करेंगे कैसा होगा। ध्यान देना है यहाँ पे, अगर मैं आर्क वेल्डिंग की अगर बात कर रहा हूँ, उस आर्क वेल्डिंग मान लो मैं कंज्यूमेबल की बात कर रहा हूँ, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का मतलब ये होगा कि आपका जो इलेक्ट्रोड है, जैसे मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं वेल्डिंग के, वहाँ मैंने बताया है क्या होता है वर्कपीस, क्या होता है इलेक्ट्रोड। तो वैसे कैसे मान लो अगर आपका ये वर्कपीस है जिस पे आपको वेल्ड करना है और आप इलेक्ट्रोड की हेल्प से कर रहे हो, यहाँ पे आपका जो पावर सोर्स है, इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स है, वो कनेक्टेड इन बिटवीन वर्क पीस एज वेल एज इलेक्ट्रोड है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, अगर मैंने कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड लिया है तो दोनों ही मेल्ट होगा, यानी आपका जो वर्क पीस है उसको भी हीट मिलेगा और आपका जो इलेक्ट्रोड है उसको भी हीट मिलेगा और दोनों ही मेल्ट होगा। कई बार ऐसा भी प्रॉब्लम आता है गेट एग्जाम में, जैसे अगर मैं TIG वेल्डिंग की बात करूँ, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो वैसे केस में क्या होता है कि उसका जो इलेक्ट्रोड है वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, यानी उसका जो इलेक्ट्रोड है वो मेल्ट नहीं होता है, यूज़ नहीं होता है, और सिर्फ जो मेल्टिंग होगा कहाँ पे होगा, वर्क पीस से होगा, इस टाइप से बोल पाएंगे। तो मान लो इलेक्ट्रोड अगर मान लो आपका मेल्ट होता है या फिर कंज्यूम होता है, उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे अगर वेल्डिंग होता है यहाँ पे, तो इस टाइप से आप थोड़े लिए सपोज कर लो कि इस टाइप से हुआ और यहाँ पे इतना पोर्शन जो है अंदर वर्क पीस में मेल्ट हो जाता है और साथ में इलेक्ट्रोड का कुछ मेटल डिपॉजिट होता है उसके ऊपर, वो इस टाइप से यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट हो जाता है, इस टाइप से यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा यहाँ से यहाँ ये पूरा जो है पहले लिक्विड के फॉर्म में मेल्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रोड का जो मेल्ट हुआ पोर्शन है इस पर ड्रॉप होगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जा रहा है और ये अंदर क्या होगा बताना, वर्क पीस का जो मेटल है वो भी अंदर क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है और दोनों फाइनली क्या हो जाएंगे वहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे, यानी ज्वाइन हो जाएंगे वहाँ पे, ऐसा बोल पाऊंगा। तो यहाँ पे जो ये हाइट होता है, दिस हाइट इज नोन एज पी, इसको बोला जाता है पी, बोला जाता है पी स्टैंड्स फॉर पेनिट्रेशन, इसको बोला जाएगा। ये जो यहाँ से यहाँ तक आप बोल पाओगे, ये जो यहाँ पे आपके पास जो ये वाला जो हाइट होता है इस वर्कपीस के ऊपर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, दैट इज आर फॉर रेनफोर्समेंट, आर फॉर रेनफोर्समेंट बोला जाता है इसको। और ये जो यहाँ पे आपके पास विड्थ होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको बोला जाएगा यहाँ पे W, दैट इज विड्थ बोला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास विड्थ हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ जो हो गया है, वो जो वेल्ड पूल या फिर जो वेल्ड बीड बन रहा है उसका दे रहा है कि वो वर्क पीस पे कितना पेनिट्रेट करेगा, दैट मीन्स कितना मेटल जो होगा वर्क पीस में वो अंदर तक मेल्ट होगा, ऐसा बोल पाएंगे, कितना ऊपर तक वो जो होगा उसके ऊपर डिपॉजिट होगा और क्या उसका विड्थ होगा, ऐसा बोल पाएंगे यहाँ पे, ये इस टाइप से बोल दिए यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो बनता है इसको बोला जाता है, दिस इज नोन एज वेल्ड बीड, इसी को बोला जाता है
वेल्ड बीड बोला जाता है या फिर वेल्ड पूल यहाँ पे इसको बोला जाता है। आप यहाँ पे देख पाओगे ये अगर वेल्ड बीड बन रहा है या फिर वेल्ड पूल बन रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बेस मेटल भी यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, साथ में जो इलेक्ट्रोड इसके ऊपर से था वो भी मेल्ट होकर इसके ऊपर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो इस तरीके से आपका वेल्ड बीड यहाँ पे बन गया है, राइट। मान लो अगर इस टाइप से है, अगर आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का अगर जो ज्वाइंट होता है, अगर ज्वाइंट के बारे में हम बात करें कि कैसा ज्वाइंट होगा, सबसे मान लो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, वी ग्रुप ज्वाइंट के बारे में बात करता हूँ। वी ग्रुप ज्वाइंट कैसा होगा और वहाँ पे किस टाइप से वेल्डिंग होगा, ध्यान देना है यहाँ पे। मान लो अगर आपके पास इस टाइप से अगर कोई प्लेट है, यहाँ पे मैंने दो अलग अलग प्लेट्स को यहाँ पे ले लिया है, इस टाइप का प्लेट लिया हूँ ये मेरे पास, मान लो ऐसे फर्स्ट प्लेट हो गया है यहाँ पे और दूसरा प्लेट यहाँ पे इसी टाइप से ऑलमोस्ट ऐसे यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे ले लिए हैं, तो ये जो बन रहा है दिस ज्वाइंट इज नोन एज वी ग्रुप ज्वाइंट। ये थोड़ा सा दोनों को प्लेट के बीच में जो गैप होता है इस गैप को बोला जाता है रूट गैप बोला जाता है यहाँ पे, दिस गैप इज नोन एज रूट गैप, कितना गैप रखा हुआ है। और ये जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है लैंड बोला जाता है यहाँ पे, और ये जो आपका एंगल है यहाँ से यहाँ तक ये एंगल आपको बोला जाता है यहाँ पे ग्रूव एंगल बोला जाता है। तो ये हो गया आपके पास ग्रूव एंगल हो गया, तो ये वी ज्वाइंट हो गया बेसिकली। अब अगर ये वी और यहाँ पे ये हो गया थिकनेस ऑफ द प्लेट, ये हो गया आपका प्लेट का थिकनेस हो गया, यहाँ पे इस टाइप से बोल पाऊंगा। अब बात यहाँ पे ये करना है कि अगर मेरे को इन दोनों प्लेट्स को क्या करना है, अगर मान लो यहाँ पे अगर वेल्ड करना है, ज्वाइन करना है इन दोनों को यहाँ पे, और ये जो मैं दोनों प्लेट का देख रहा हूँ यहाँ से, मान लो अगर मैं इनका देख रहा हूँ यहाँ से साइड व्यू देख रहा हूँ यहाँ पे, इफ दिस इज द साइड व्यू, अगर मैंने इसको साइड व्यू से देखा है तो इस ये दोनों प्लेट बेसिकली होगा कैसे, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखना चाहूँ तो कुछ इस टाइप से होगा। मान लो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट वाला प्लेट है, राइट, और ये आपका मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ सेकेंड वाला प्लेट है यहाँ पे, दोनों को आप मान लो वेल्ड कर रहे हो इस टाइप से, और दिस इज़ द लेंथ ऑफ द वेल्ड, ये लेंथ है, और आपका जो वेल्डिंग डायरेक्शन मान लो इस डायरेक्शन में आप वेल्डिंग करते हुए जा रहे हो, सपोज आप इस टाइप से मेटल को डिपॉजिट करते हुए वेल्ड करते हुए आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हो विथ स्पीड भी, इस टाइप से हो गया। तो आप जो टॉप से देखोगे दिस इज द टॉप व्यू, ऊपर से आपको ऐसा दिखेगा यहाँ पे जहाँ पे आप लेंथ देख सकते हो, लेकिन आप यहाँ साइड से देखोगे यहाँ पे, राइट, आप साइड बोल सकते हो उसको यहाँ पे, आप साइड से अगर यहाँ पे देखोगे तो साइड से आपको ये वाला दिखेगा कि आप उस वेल्ड पूल जो है साइड से आप इस वेल्ड बीड जो है वेल्ड पूल जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख सकते हो, टॉप से आप देख क्या देख सकते हो या फ्रंट से आप उसका लेंथ भी देख सकते हो यहाँ पे। तो आपको कितना वॉल्यूम ऑफ मेटल चाहिए अगर इन दोनों प्लेट को अगर ज्वाइन करना है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ मेटल चाहिए बेसिकली इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, सीधी सी बात है ये जो ग्रूव है इस पूरे ग्रूव को, ये जो गैप बना हुआ है इस गैप को मान लो पूरा फिलअप करना है तब दोनों ज्वाइन होंगे। तो वैसे कंडीशन में कैसा हो जाएगा, दोनों गैप को अगर फिल करना चाहता हूँ फिर से मैं एक बार यहाँ पे बना ले रहा हूँ इस टाइप का सेम फिगर, यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके पास इस टाइप से था यहाँ पे, राइट, जस्ट लुक एट हियर, इस टाइप से आपके पास है यहाँ पे गैप दिया हुआ है और ये इस टाइप से गैप दिया है, ये दो अलग अलग प्लेट यहाँ पे आपके पास बने हुए हैं मान लो इस टाइप का, आपको जो इन दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है, यानी ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है आपके पास, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इस पर्टिकुलर पोर्शन को आपको क्या करना है, पूरा फिल करना है विद द हेल्प ऑफ लिक्विड। वो जो लिक्विड होगा कौन यहाँ पे मेल्ट हो रहा है बताना है, जो इलेक्ट्रोड है मान लो इलेक्ट्रोड मेल्ट होके इसके ऊपर ड्रॉप होगा आके उस पर्टिकुलर पोर्शन को रीजन को क्या करेगा, फिल करेगा दिस मच ऑफ वॉल्यूम। तो ऐसे में क्या होगा बताना, अगर मान लो मैं यहाँ पे ग्रूव एंगल मेरे को दिया हुआ है 60 डिग्री दिया है या कोई भी दिया है वॉट एवर द ग्रूव एंगल थीटा, तो अगर मैं ग्रूव एंगल को सपोज करो ले रहा हूँ यहाँ पे 2 थीटा ले रहा हूँ सपोज करो यहाँ पे, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, ये वाला वैल्यू आपका यहाँ पे हो जाएगा थीटा और ये वाला वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा आपका थीटा, थीटा प्लस थीटा इट विल बिकम ग्रूव एंगल 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पे। आपको इसका हाइट यहाँ पे नोन है, इफ दिस हाइट इज नोन टू अस, ये हाइट आपको यहाँ पे नोन है, साथ में मान लो ये वैल्यू आपको रूट गैप का वैल्यू सपोज मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये लैंड का वैल्यू जो है उसको मैं स्मॉल बी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ इस टाइप से। नाउ व्हाट इज दिस, तो अगर मुझे निकालना है हाउ मच वॉल्यूम, अगर मान लो ऊपर से इलेक्ट्रोड जो है, जैसे मान लो आपने ऊपर से इलेक्ट्रोड लगाया है पावर, राइट, पावर सिस्टम से इसको क्या कर दिया यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स से इसको अगर आपने इसको कनेक्ट कर दिया है वर्क पीस और आपका इलेक्ट्रोड है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड जो होगा मेल्ट होगा और मेल्ट होकर इसके ऊपर क्या होगा, ड्रॉप होगा, फॉल होगा और इस पर्टिकुलर इस पोर्शन को क्या करेगा, फिल करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैं यही पढ़ने वाला हूँ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स विल बी नीडेड, कितने इलेक्ट्रोड्स की जरूरत पड़ेगी, तो वैसे कंडीशन में क्या कर पाऊंगा। तो ये तो मेरा क्या हो गया होता है ना, साइड व्यू से मैं आपको बताया कि ये एरिया हो गया, दिस एरिया मल्टीप्लाइड बाई द लेंथ ऑफ द वेल्ड विल बी नोन एज टोटल वॉल्यूम, कितना आपको वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा, यानी कितना इलेक्ट्रोड का मेटल जो इलेक्ट्रोड जो है मेल्ट होकर कितना वॉल्यूम को फीड करना चाहिए, ऐसा बोल पाऊंगा यहाँ पे। तो अगर मैं बोलूँगा वॉल्यूम टू बी फिल्ड की अगर मैं बात करता हूँ, वॉल्यूम टू बी फिल्ड यानी कितना वॉल्यूम फिल करना पड़ेगा वैसे कंडीशन में, सो वॉट एवर दिस एरिया ऑफ वेल्ड वेल्ड पूल वेल्ड बीड
मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, लेंथ से क्या करना पड़ेगा उसको, यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा यहाँ पे, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। अब ये एरिया कितना होगा, जस्ट लुक एट हियर अबाउट दिस एरिया। तो ये एरिया मान लो इसको मैं लेता हूँ एरिया नंबर वन, इसको लेता हूँ एरिया नंबर टू और इसको लेता हूँ एरिया नंबर थ्री। आप यहाँ पे देख पाओगे एरिया वन और एरिया टू एक ट्राइंगल है और दोनों कैसा है, सिमेट्रिकल है, सेम है यहाँ पे, ऐसा बोल पाऊंगा। तो वैसे कंडीशन में दोनों का एरिया सेम हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एरिया वन और प्लस में लिख सकता हूँ सिर्फ एरिया थ्री, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाई एल बी यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब एरिया वन और एरिया थ्री जो है आप सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेंगे कैसा हो पाएगा, ध्यान देना। ये एंगल आपको अगर मान लो थीटा दिया हुआ है तो वैसे कंडीशन में आप ये वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो, सपोज दिस वैल्यू इज एक्स, अगर ये वैल्यू आपका एक्स आ गया है तो वहाँ पे आपका ये वाला वैल्यू भी यहाँ से आपको नोन है, बिकॉज एच माइनस बी वहाँ से ये वैल्यू भी आपको नोन है। तो यहाँ से अगर आप मान लो टेन थीटा अगर आप अप्लाई करते हो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा आपके पास वो हो जाएगा एच माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे, एच माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे। तो वैसे कंडीशन में आप यहाँ से एक्स को फाइंड आउट कर पाओगे, दैट इज एच माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा, यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू आ जाएगा। दैट मीन्स वट इज दिस लेंथ, ये यहाँ पे लेंथ आ गया, उतना ही एक्स यहाँ पे भी ये लेंथ हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मुझे कोई एरिया वन निकालने बोलेगा, वट इज एरिया वन, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो हाफ इंटू उसका बेस हो जाएगा, दैट इज द बेस विल बी इक्वल टू एच माइनस ऑफ, तो एच माइनस यहाँ पे बोल पाऊंगा, एच माइनस बी बोल पाऊंगा, और आपके पास जो यहाँ पे एक्स आ गया है वो एक्स का वैल्यू यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दोगे। तो यहाँ से आपका एक्स में एच मालूम है, एच नोन है, बी नोन है, थीटा भी नोन है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से आपको नोन हो जाएगा, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे तो एरिया वन यहाँ से नोन हो जाएगा। नाउ एरिया थ्री अगर आपको निकालना है तो सिंपल निकाल दोगे, सो दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, टोटल लेंथ कितना है उसका एच मल्टीप्लाइड बाई उसका विड्थ कितना है यहाँ पे ए हो जाएगा। तो यहाँ से एरिया, तो एरिया वन भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, एरिया थ्री आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे तो निकल जाएगा वॉल्यूम टू बी फिल्ड, आपको टोटल कितना वॉल्यूम फिल करना है, राइट। पहला, अब इतना वॉल्यूम को कौन फिल करेगा, तो इतने वॉल्यूम को इलेक्ट्रोड्स जो ऊपर से वो फिल करेगा यहाँ पे, तो देख लेते हैं। तो पहले तो निकाल लिए वॉल्यूम टू बी फिल्ड, कितना वॉल्यूम फिल करना है वो निकाल लिए, अब देखेंगे कि कौन वॉल्यूम फिल करने वाला है, तो इलेक्ट्रोड वॉल्यूम फिल करने वाला है, राइट। मान लो फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए अगर ये वॉल्यूम आता मेरे पास 1000 1000 mm³, मान लो ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया फॉर एग्जाम्पल, और एक इलेक्ट्रोड जो है, एक इलेक्ट्रोड मान लो सिलेंड्रिकल के फॉर्म में, एक इलेक्ट्रोड का वॉल्यूम जो है सपोज करो 100 mm³ होता है, सपोज करो 100 mm³ होता है, तो वैसे केस में पूछना चाहूंगा कि इस 1000 mm³ को भरने के लिए, फिल करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रोड्स लगेगा। तो भाई सीधी सी बात है, एक एक इलेक्ट्रोड को मेल्ट करने का उसका वॉल्यूम होता है 100 mm³, तो यहाँ से डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे 100 mm³, अगर यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो आपको यहाँ पे चल जाएगा नंबर इलेक्ट्रोड्स विल बी 10, 10 इलेक्ट्रोड्स आपको चाहिए। तो वैसे ही सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे करने वाला हूँ, तो पहले तो निकालिए हाउ मच वॉल्यूम टू बी फिल्ड, आपको कितना वॉल्यूम फिल करना है थ्रू द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड्स के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जस्ट लुक एट हियर अबाउट इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस करोगे, जैसे मान लो ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जनरली ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, यहाँ पे इस टाइप से आपका वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में यहाँ पे है, और इसके बाद यहाँ पे ये वाला पोर्सन होता है, ये वाला पोर्सन होता है, तो ये जो पोर्सन है यहाँ से यहाँ तक इसको बोला जाता है स्टब लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड बोला जाता है, स्टब लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी जो इलेक्ट्रोड है उसका स्टब लेंथ है। स्टब लेंथ का मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन है वो वेल्डिंग के काम में नहीं आता है, मेल्ट नहीं होता है, यानी ये वाला पोर्शन जो है ना वो होल्डेड रहता है होल्डर में, इलेक्ट्रोड होल्डर में, दैट मीन्स होल्डेड इन इलेक्ट्रोड होल्डर। तो आपका जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है उसके अंदर ये होल्डेड होता है, राइट, ऐसा बोल पाऊंगा। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रोड, जस्ट लाइक अगरबत्ती आप स्टैंड में लगाते हो, तो जो अगरबत्ती का नीचे वाला पोर्शन होता है वो कभी यूज़ नहीं होता है, उसको आप बाद में थ्रो कर देते हो, ऊपर वाला पोर्शन जिसमें भी कवर्ड होता है, राइट, वो वाला पोर्शन जो होता है वो सिर्फ क्या हो जाता है बताना, आपको फ्रेग्रेंस देता है, वो सिर्फ बर्न होता है, बट नीचे वाला पोर्शन जो होल्डर में लगा हुआ होता है अगरबत्ती के होल्डर में, वो कभी बर्न नहीं होता, वो एज इट इज रह जाता है, बाद में आपको थ्रो करना पड़ता है, जस्ट लाइक सेम ओनली। तो ये जो स्टब लेंथ है वो कभी भी यूज़ नहीं होता है, यानी आपका जो वेल्डिंग होगा वो यहाँ से यहाँ तक लेंथ मेल्ट होने के कारण होगा। तो ये आपका अगर मान लो इलेक्ट्रोड है जिसका डाया मान लो डी है, जिसका डाया मान लो डी है और जिसका लेंथ सपोज करो फिलहाल यहाँ पे अगर मैं एल लिख देता हूँ, यहाँ पे ये उसका लेंथ हो गया, यहाँ पे एल हो गया और ये उसका लेंथ हो गया एल एस हो गया, दैट इज स्टब लेंथ हो गया। कैसा हो गया यहाँ पे पता ना, स्टब लेंथ यहाँ पे हो गया। तो ये वाला जो लेंथ है ना ये सिर्फ आपके काम आना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है ये सिर्फ मेल्ट हो सकता है, मेल्ट होकर उस गैप को फिल कर सकता है यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रोड का लेंथ हो गया यहाँ पे, जो कि मेल्टिंग लेंथ यहाँ पे मेल्ट होगा, यहाँ पे मेल्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मेल्ट होगा यहाँ पे और वो गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। तो सीधी सी बात अगर मैं देखता हूँ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वन इलेक्ट्रोड, वॉल्यूम ऑफ वन इलेक्ट्रोड,
अगर मैंने एक इलेक्ट्रोड का अगर वॉल्यूम देखना चाहता हूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा सिलेंड्रिकल के शेप में है, तो हो जाएगा पाई बाई 4 × डाई स्क्वायर × L यहाँ पे हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखेंगे, कई बार गेट एग्जाम में क्या हो सकता है ऐसा कि आपको स्टब लेंथ के साथ टोटल लेंथ ऑफ दिया हुआ इलेक्ट्रोड है, तो टोटल लेंथ आपको यूज़ नहीं करना है, आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको स्टब लेंथ माइनस करके आपको सिर्फ यही वाला लेंथ यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो आपको प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि वो कौन सी लेंथ की बात कर रहा है। अगर वो टोटल लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है तो स्टब लेंथ को माइनस करना पड़ेगा, या फिर अगर सिर्फ मेल्टिंग लेंथ की बात कर रहा है इतने को, तो इतने को आपको डायरेक्टली यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वन इलेक्ट्रोड। और मैं छोटा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स देख रहा था, अगर वॉल्यूम ऑफ वन इलेक्ट्रोड इज 100 mm³ और आपको जो फिल करना है टोटल, मान लो वो 1000 mm³ अगर सिर्फ आपको फिल करना है, तो दोनों का रेशो ले लेंगे। सो अगर मैं देखना चाहता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स रिक्वायर्ड, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स रिक्वायर्ड दैट विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स रिक्वायर्ड दैट विल बी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम टू बी फिल्ड, वॉल्यूम टू बी फिल्ड कितना वॉल्यूम आपको फिल करना है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन इलेक्ट्रोड, वॉल्यूम ऑफ वन इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोड का क्या वॉल्यूम आ जाएगा, दोनों mm³ में कैंसिल हो जाएगा, यूनिटलेस नंबर ऑफ पीसेस में आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम टू बी फिल्ड दैट इज ट्वाइस ऑफ एरिया वन प्लस एरिया थ्री मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ वेल्ड डिवाइडेड बाई आपके पास हो जाएगा पाई बाई 4 × डाया स्क्वायर × L, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स विल बी नीडेड। एक चीज़ और आप यहाँ पे देखोगे जो मैं आपको बताया था, यहाँ पे आप वेल्ड बीड में अगर देखना चाहोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा होता है कि ये रेनफोर्समेंट वाला पोर्शन भी होता है, यानी ये ऊपर की तरफ ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी आके ऐसे डिपॉजिट होता है। बट यहाँ पे अगर मान लो प्रॉब्लम में, अगर गेट एग्जाम के प्रॉब्लम में रेनफोर्समेंट वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है कि क्या रेनफोर्समेंट का वैल्यू है, तो आपको जनरली इसको नहीं लेना, नेग्लेक्ट कर देना है। बट अगर उसने दिया हुआ है कि ये अंदर जो टोटल वॉल्यूम आप फिल कर रहे हो, यानी आपने ये जो वॉल्यूम फिल किया है, ये जो अंदर वॉल्यूम फिल किया है 1, 2 और 3 में जितना वॉल्यूम फिल किया है, उसका 10% इसके ऊपर की तरफ है, राइट, एज अ रेनफोर्समेंट 10% इसके ऊपर की तरफ है या फिर 20% ऊपर की तरफ है, ऐसा अगर बोला है तो वैसे कंडीशन में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इस वॉल्यूम का 10% और बढ़ा लेंगे, कितना वॉल्यूम और नीडेड है, या 20% और वहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको जो रेनफोर्समेंट ऊपर का जो वॉल्यूम है उसको आपको नेग्लेक्ट कर देना है, और आपको सिर्फ इतने वॉल्यूम मिलना है जिससे वो अप टू द गैप वो पूरा क्या हो सके वहाँ पर फिल हो सके, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स का फॉर्मूला सिंपल है, कितना वॉल्यूम फिल करना है टोटल और एक इलेक्ट्रोड का कितना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बैलेंस करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान देना है स्टब लेंथ के बारे में, थोड़ा सा सोचना है कि स्टब लेंथ ऐसा लेंथ होता है उस इलेक्ट्रोड का जो होल्डर के अंदर होता है, इलेक्ट्रोड होल्डर, जैसे मान लो ये होल्डर है इलेक्ट्रोड के, होल्डर के अंदर लगा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड है मान लो, तो व्हाइट वाला पोर्शन जो मेल्ट होगा वेल्डिंग के काम में आएगा, लेकिन जो ब्लैक वाला जो पोर्शन होगा वो इलेक्ट्रोड होल्डर के अंदर होगा, होल्डेड होगा यहाँ पे, जो कि कभी यूज़ नहीं होगा। यहाँ तक जब व्हाइट वाला पूरा पोर्शन मेल्ट हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा, तो बाकी जो बचा हुआ ब्लैक वाला पोर्शन उसको निकाल के थ्रो करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोड फिर से वहाँ पर लगा देते हैं होल्डर में, ऐसा यहाँ पे बोल पाऊंगा। तो आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोड का लेंथ कहाँ से कहाँ तक आपको लेना, वो थोड़ा सा की पॉइंट होगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे बोल पाऊंगा कि आपको फिल कितना करना है, क्या अप टू लेवल आपको फिल करना है, क्या आपको थोड़ा रेनफोर्समेंट के लिए भी थोड़ा सा ऊपर में आपको वॉल्यूम चाहिए। अगर कुछ भी नहीं मेंशन है प्रॉब्लम है, तो आप रेनफोर्समेंट जो ऊपर का जो वॉल्यूम है उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, आपको सिर्फ उतना ही फिल करना है जितना यहाँ पे गैप होगा उतना टाइप करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स वाले प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स आएगा उसको आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो आपको जो ज्वाइंट एज एग्जाम्पल दिया वो यहाँ पे वी वी ग्रुप ज्वाइंट का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिया हूँ, बट ज्वाइंट्स अलग अलग टाइप के भी ज्वाइंट्स हो सकते हैं, जैसे आपका क्या हो सकता है डबल वी ग्रुप हो सकता है, जे ग्रुप हो जाएगा, इस टाइप का भी होता है कई बार ज्वाइंट। देखो आप जे ग्रुप इस टाइप से बना सकते हो, मान लो इस टाइप से आप बना रहे हो तो इस टाइप से आपका जो ग्रुप हो जाएगा, इस टाइप से भी ग्रुप्स यहाँ पे बनते हैं कई बार, अलग अलग टाइप से ग्रुप बनते हैं, तो वी ग्रुप, जे ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। तो सबका जो कंसेप्ट है वो सबका एक ही है, मान लो किसी भी टाइप का ग्रुप आया है तो पर्टिकुलर इसका कुछ ना कुछ आपको दिया होगा, डायमेंशन क्या है, कैसे यहाँ पे इक्वेशन है, तो वैसे कंडीशन में आपको सिर्फ वही करना है कि हाउ मच इज दिस एरिया, कितना एरिया है मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट मीन्स वॉल्यूम टू बी फिल्ड, कितना वॉल्यूम आपको फिल करना है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का लेंथ कितना होगा। तो बेसिक कंसेप्ट जो होगा सिर्फ वो वॉल्यूम को बैलेंस करने का ही होगा, यानी वॉल्यूम का रेशियो लेने का ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपली यहाँ पे बना पाओगे। अब देखते हैं उस वाले प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, देखेंगे इस वाले प्रॉब्लम को उसी टाइप से सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वी वी टाइप ज्वाइंट की बात किया, वी ग्रुप
जॉइंट की बात किया, यहाँ पे सबसे पहले थिकनेस ऑफ प्लेट दिया है, 10 mm दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वेल्ड 1 मीटर दिया है, ग्रूव एंगल 60 डिग्री दिया है, रूट गैप यहाँ पे दिया है, बट लैंड का वैल्यू नहीं दिया है, तो मैं उसको एज्यूम कर लेता हूँ। जो भी वैल्यू नहीं दिया होगा रूट गैप या लैंड में, उसमें आप जीरो एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका लैंड का वैल्यू, उसको मैं 20 से रिप्रेजेंट कर रहा था, उसको मैं यहाँ पे जीरो ले लेता हूँ, सबसे पहले एज्यूम कर लेता हूँ लेट, ऐसा यहाँ पे बोल दिया। अब यहाँ पे आप इस टाइप से अगर मान लो प्लेट को अगर यहाँ पे आप ड्रॉ करना चाहते हो, इस टाइप से आप ड्रॉ करना चाहते हो, तो यहाँ पे मान लो ऐसा है कि दोनों प्लेट में यहाँ पे लैंड का वैल्यू है नहीं, बट रूट गैप है यहाँ पे। तो आप इस टाइप से सपोज करो, रूट गैप आप यहाँ पे इस टाइप से 5 mm का आप रूट गैप यहाँ पे ले लेते हो। जस्ट लुक एट हियर, ग्रूव एंगल इज हाउ मच, 60 डिग्री का आपका ग्रूव एंगल है। तो अगर ग्रूव एंगल 60 डिग्री है, 2 थीटा, तो यहाँ पे हाफ ऑफ आपके पास थीटा जो हो जाएगा वो इस तरफ हो जाएगा 30 डिग्री का, और इस तरफ हो जाएगा 30 डिग्री का। तो यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे भी 30 डिग्री, और ये रूट गैप आपको यहाँ पे जो दिया है, दिस वैल्यू इज 5 mm, जिसको जनरली मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे, बी का वैल्यू मैंने जीरो ले लिया है यहाँ पे, और ये हाइट यहाँ पे एच का वैल्यू जो है वो आपके पास 10 mm यहाँ पे इस प्लेट का हाइट यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, और ये एंगल 30 डिग्री दिया है। लेंथ भी दिया हुआ है आपको, दैट इज इक्वल टू लेंथ जो दिया है वेल्ड का वो दिया है एल इक्वल टू 1 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ में डाया दिया हुआ है, इसको मैं कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। डाया जो दिया हुआ है वो 5 mm का दिया है, इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड का लेंथ दिया है 500 mm का, इलेक्ट्रोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो वही सिंपल है, आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम टू बी फिल्ड, सबसे निकालते हैं वॉल्यूम टू बी फिल्ड। वॉल्यूम टू बी फिल्ड जो हो जाएगा एरिया, सो दिस एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, तो वैसे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A1 प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे A3 हो जाएगा। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है कि ऊपर में कुछ रेनफोर्समेंट एरिया आपको लेना है कुछ भी, सो वी आर नेग्लेक्टिंग दैट, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं उसको। ट्वाइस ऑफ एरिया मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, सिर्फ लेंथ ऑफ वेल्ड हो जाएगा। तो एरिया निकालना चाहेंगे यहाँ पे, कैसे निकाल पाएंगे, ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले, बॉडी डिस्टेंस एक्स, एक्स कितना होगा, तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल पाऊंगा वैल्यू ऑफ टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री जो हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, सो दैट बिल्कुल परपेंडिकुलर अपॉन एक्स अपॉन यहाँ पे हो जाएगा एच हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा एच एच 10 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आ गया। सो व्हाट इज एरिया 1, तो एरिया 1 निकालना चाहोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू एच इंटू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। नाउ वी आर नोइंग द वैल्यू ऑफ एक्स, आप एक्स का वैल्यू भी यहाँ पे जानते हो, आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो A1 आपको चल जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया A1। साथ में आपको मान लो अगर एरिया A3 अगर चाहिए, तो रेक्टेंगल एरिया A3, अब यहाँ देख पाओगे रेक्टेंगल एरिया A3 है, दिस दिस विड्थ मल्टीप्लाइड बाई दिस हाइट, ऐसा यहाँ बोल पाऊंगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 mm हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा वहाँ पे 10 mm हो जाएगा, 5 mm इंटू 10 mm हो जाएगा। तो ये वाला एरिया भी आ जाएगा mm स्क्वायर में, ये भी आ गया mm स्क्वायर में आ जाएगा, और वॉल्यूम टू बी फील्ड में आप लेंथ को वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे 1 मीटर, और मीटर में दिया मैं सभी को mm में लाना चाहता हूँ, तो ये जो लेंथ है इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मीटर को 1000 mm फिलहाल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सो दैट mm क्यूब में रहेगा, पूरा वॉल्यूम mm क्यूब में लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे A1, A3 और L का वैल्यू यहाँ पे आपके पास है, उसको यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। देन आफ्टर आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 इलेक्ट्रोड, सो वॉल्यूम ऑफ 1 इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 इलेक्ट्रोड विल बी यहाँ पे ले लोगे पाई बाई 4 इंटू डाया स्क्वायर इंटू L। यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो इलेक्ट्रोड के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया था यहाँ पे, कि इलेक्ट्रोड का जो डाया है 5 mm है, इलेक्ट्रोड का जो लेंथ है वो 500 mm है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी स्टब लेंथ के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट मैं मान के चलूंगा कि वो जो लेंथ दिया हुआ है वो सिर्फ इलेक्ट्रोड का वो वाला लेंथ या पोर्शन दिया हुआ है जो मेल्टिंग में काम आएगा, मेल्ट होगा और वेल्डिंग के काम में आने वाला है, इस टाइप का है। तो पूरा पूरा यहाँ पे ले लिया हूँ, तो आपका डाया भी mm में दिया है, लेंथ भी mm में दिया है, तो ये जो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका mm क्यूब में आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला वॉल्यूम जो आप फाइंड आउट करने वाले हो, ये वाला वॉल्यूम भी आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे mm क्यूब में आ जाएगा। तो फाइनली आपको चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, अगर यहाँ पे चाहिए सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स विल बी गिवन बाय दिस टू ओनली, वॉल्यूम टू बी फिल्ड, कितना वॉल्यूम आपको फिल करना है, सो ट्वाइस ऑफ A1 प्लस A3 मल्टीप्लाइड बाई L डिवाइडेड बाई 5/4 इंटू डाया स्क्वायर इंटू L। तो mm क्यूब विल गेट कैंसल हियर, तो यहाँ पे आपको कुछ सब सभी वैल्यूज हैं आपके पास, यहाँ पे आपके पास एरिया 1 का वैल्यू है, एरिया 3 का वैल्यू है, लेंथ का वैल्यू है, डाया लेंथ सभी चीज़ का वैल्यू है, बट ध्यान ही देना है कि आपके पास जो स्मॉल एल है वो लेंथ ऑफ वेल्ड है, लेंथ ऑफ प्लेट है, और लेकिन ये जो कैपिटल एल है आपके पास वो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड है, ध्यान देना है इस चीज़ को, आप कन्फ्यूज नहीं होना, रिवर्स नहीं करना है कहीं पे। तो वैसे कंडीशन में आप यहाँ पे पूरे डेटा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आंसर आपको मिलेगा 10.97 के आसपास आंसर मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 11 इलेक्ट्रोड्स। तो आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स चाहिए होगा वो ऐसे 11 इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे चाहिए होगा, सो दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शंस भी आपके पास दिया हुआ था 7, 9, 11, 13,
तो यहाँ पे 11 पे आपको टिक करना है। एग्जैक्टली आपको 10.97 चाहिए, बट अगर आपने एक बार इलेक्ट्रोड को अगर मान लो यूज़ कर लिया है, तो वो इलेक्ट्रोड जैसे आपने मान लो 10.97 आंसर है, तो आपने ऐसे नहीं बोल सकते कि 10 इलेक्ट्रोड चाहिए, आपको 11 ही चाहिए होगा, बिकॉज ऑफ 11th वाले इलेक्ट्रोड को आप यूज़ कर रहे हो कहीं ना कहीं। दैट्स वी आर गेटिंग आंसर शुड बी हियर 11 इलेक्ट्रोड्स। तो 11 इलेक्ट्रोड जो होगा यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे होगा।